दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम्स में. प्रूव दैट एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाय 8 इफ एन इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेट बी इक्वल टू 4. अकॉर्डिंग टू डिविजन लेमा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इक्वल टू लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब ए की प्लेस में हम एन ले लेंगे, इसको ये पूरी इक्वेशन को हम एन कैंसिल कर लेंगे. एन इक्वल टू 4q प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. आर को 0 ले सकते हैं, 1, 2, 3 ले सकते हैं. आर इक्वल टू 0 लेंगे तो एन इक्वल टू 4q हो जाएगा. आर इक्वल टू 1 लेंगे तो 4q प्लस 1 एंड आर इक्वल टू 2 लेंगे तो एन इक्वल टू 4q प्लस 2. आर इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 4q प्लस 3. अब ये देखिए क्वेश्चन में एन इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स को लेना है हमने. एन क्या होना चाहिए? ऑड इंटीजर्स होना चाहिए, इवन को हम नहीं लेंगे. तो 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स. अब इसको जो भी एन की वैल्यू आई है हमारे पास 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, इसको एन स्क्वायर माइनस 1 में पुट कर देंगे. केस 1 लेंगे व्हेन एन इक्वल टू 4q प्लस 1 है. 4q प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, इसको आईडी खोलेंगे तो 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 1. 1 इज कैंसल्ड विद 1 एंड 8 कॉमन आ जाएगा, 2q स्क्वायर प्लस q आ जाएगा. हेंस दिस इज डिविजिबल बाय 8. केस 2 लेते हैं, एन स्क्वायर माइनस 1 में 4q प्लस 3 की वैल्यू पुट करते हैं. 4q प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 1, इसको ओपन करेंगे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी से. 4 क्यू को होल स्क्वायर करेंगे तो 16q स्क्वायर आएगा, 24q, 2ab करेंगे तो प्लस 3 स्क्वायर इज 9 एंड माइनस 1, 9 माइनस 1 इज 8 आ जाएगा. एज इट इज कॉपी होगा, बाकी 8 कॉमन आ रहा है. 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ये भी टर्म हमारी 8 से डिविजिबल है. यही हमने प्रूव करना था कि एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ एन जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर है. अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही है यहाँ पे. तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा.